नमस्कार बच्चों, पिछले व्याख्यान में पढ़ा आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसकी प्रस्तावना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक है। आज हम टॉपिक ले रहे हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण का घटनाक्रम कि ऐसी क्या घटनाएं थी जिसके कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इससे क्या परिणाम हुए। तो व्यावसायिक निजी बैंक निजी लाभ को ध्यान में रखकर ही व्यवसाय कर रही थी। उनका राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं था। वे राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्यों के विपरीत उन व्यवसाय को अधिकरण देती थी जिनमें उनके स्वामी वे प्रबंधकों के स्वार्थ नहीं थे। इससे आर्थिक शक्ति के चंद हाथों में केंद्रीकरण एवं एकाधिकारी पूंजीपति घरानों को प्रोत्साहन मिल रहा था। बैंकों के निजी क्षेत्र में होने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। राष्ट्रीयकृत के उद्योग व प्राथमिकता के आर्थिक क्षेत्र को वित्तीय अभाव का सामना करना पड़ रहा था। 1960 में प्रयोग के तौर पर 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ पे ध्यान रखना आप कि 1960 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके जो दो प्रमुख उद्देश्य हासिल करना था, प्रथम बैंक शाखाओं का अधिक से अधिक विस्तार कर बड़े पैमाने पर जमा राशि प्राप्त करना और दूसरा अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता के क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहयोग सुनिश्चित करना। राष्ट्रीयकरण के माध्यम से सरकार विकास हेतु राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों को तीव्र गतिशीलता प्रदान करना चाहती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में अपने प्रसारण में जो तर्क दिए वे इस प्रकार थे, बैंकों पर अल्प लोगों का नियंत्रण समाप्त करना, दूसरा कृषि लघु उद्योग निर्यात हेतु पर्याप्त शाखा का प्रावधान करना, तीसरा बैंक प्रबंधन को व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना, चौथा उद्यमियों के नए वर्ग को प्रोत्साहित करना और पांचवा बैंक कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण व उचित सेवा शर्तों का प्रावधान करना। कुछ अर्थशास्त्री बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में भ्रमित है। वे बैंकों के निजी क्षेत्र में होने को सामाजिक नियंत्रण की संज्ञा देते हैं जो सर्वथा अनुचित है। या तो वे निर्अज्ञानी हैं अथवा इस शब्द के प्रयोग से कुछ चालाकी करें। सही अर्थों में राष्ट्रीय नियंत्रण में सामाजिक नियंत्रण एक दूसरे के समान अर्थी शब्द है। राष्ट्रीयकरण शब्द का अधिक उपयोग हुआ है, अतः बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सामाजिकरण भी कहा जाए तो अनुचित नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग आजादी के बाद से उठ रही थी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वयं इसके पक्षधर थे, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय समस्याओं के वरीयता क्रम में समाधान के प्रयासों में अधिक व्यस्त होने का कारण वे बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अमली जामा नहीं पहना पाए। 1960 में 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रयोग नेहरू जी की देन था। नेहरू जी को कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी तत्वों से संघर्ष करना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात 10 जनवरी 1966, यहाँ पे आप डेट याद रखना 10 जनवरी 1966 को जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी को भी कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी वे प्रत्याख्यावादी कांग्रेस नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के अंदर चले आ रहे वामपंथी और मध्य मार्गी तत्व इंदिरा गांधी के समर्थक थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब देश आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़ेपन की स्थिति में था। पूंजीपति सामंत एवं पूर्व शासक उत्पादन के अधिकांश साधनों को अपने हाथों में केंद्रित वे नियंत्रित किए हुए थे। 1969 के पश्चात इंदिरा गांधी की समर्थक प्रगतिशील शक्तियां आर्थिक परिवर्तन व विकास के पक्षधर थी। इंदिरा गांधी के समर्थक वे राष्ट्रीयकरण की जो समस्या थी उसको सुधारने का उन्होंने प्रयास किया और 1967 में 10 सूत्रीय कार्यक्रम को इसमें शामिल किया और मोरारजी देसाई भारत के वित्त मंत्री थे। उन्होंने कार्यक्रम की कार्यान्वित में अवरोध जो उत्पन्न कर रहे थे कांग्रेस के अंदर वे बाहर प्रगतिशील वामपंथी तत्वों ने मोरारजी देसाई का विरोध करते हुए अनेक मांगों के साथ बैंकों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण तथा भूतपूर्व शासकों के प्रिवी प्रेस समाप्त करने की मांग के प्रबलता का समर्थन किया। इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले मैंने आपको डेट बताई थी, एक ये 8 जून 1960 में और दूसरी है वो है 19 जुलाई 1969, यानी 9 साल बाद
9 साल बाद फिर 14 प्रमुख, पहले 8 और अब कितनी हो गई 14, 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके पश्चात भारत के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि वो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का आधार बैंकों की जमा राशि को बनाया गया। जिन बैंकों के पास 50 करोड़ रुपये या इससे अधिक की जमा राशि थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध राजनीतिक स्तर पर इंदिरा गांधी के विरोधियों द्वारा जारी रहा। औद्योगिक घराने वे पूंजीपति जिनमें बैंकों के स्वामी भी सम्मिलित थे, उन्होंने इसका विरोध किया। देश में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहा था। अगस्त 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के अन्य मध्यम वर्गीय व वामपंथी तत्वों के समर्थन से राष्ट्रपति पद के चुनाव में वी गिरी को राष्ट्रपति चुना। नवंबर 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी विरोधी कांग्रेस नेताओं ने उसे अलग होकर पुराने कांग्रेस नामक पार्टी का गठन किया, जो 1970 में इसे प्रभावी बनाया गया। और फरवरी 1970 में सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को इसलिए अवैध करार दिया क्योंकि ये भेदभावपूर्ण था। अपने आदर्श में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बैंकों के स्वामियों को दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है, अतः सरकार ने कानूनी कमियों को दूर करने के लिए वे अपने कदम को सही ठहराने के लिए राष्ट्रपति के आदेश का सहारा लिया। फरवरी 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस विजय रही एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यप्रणाली में सुधार व बैंकों के सेवा विस्तार की प्रक्रिया तीव्र हो गई। और 1971 में, यहाँ पर आप देख ध्यान रखना, 1971 में 24वें 25वें संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को अवैध करार देने के कारण कानून बनाए गए। वे 24वें संशोधन में मौलिक अधिकार को कम अथवा अधिक करने के लिए संसद को अधिकृत किया गया। 25वें संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वे भविष्य के राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए किसी भी निजी संपत्ति के अधिकरण की घोषणा कर सकती है। राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए अधिकृत निजी संपत्ति के मुआवजे की रकम की अदायगी के तरीका का निर्णय भी संसद द्वारा किया गया। इसी के साथ बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। यहाँ पर जो ये घटनाक्रम है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है कि किस प्रकार किसकी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीय